अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बर्ड फाइल में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हमने ब्रीडिंग लेने के लिए 5 पॉइंट्स डिस्कस करनी है, क्योंकि अक्सर इलाकों में ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। कुछ जो न्यू फैंसीज हैं वो ये 5 के 5 पॉइंट्स पे वर्किंग नहीं करते, जिसकी वजह से ब्रीड आने में काफ़ी देर हो जाती है। या तो जोड़ा नहीं बनता है, जोड़ा बनता है तो ब्रीड उस तरह की रेशो नहीं आती जो उस बर्ड को देनी चाहिए या पेयर को। और अगर रेशो आती है तो उसमें एग्स आने के बाद डेड इन शेल हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहला और बेसिक पॉइंट है, एज कंफर्म होनी चाहिए आपको बर्ड की। एज कंफर्म से मुराद है कि जैसे हम लव बर्ड्स का अगर बात करें तो लव बर्ड में जो 7 माह है या 8 माह में बर्ड जो है वो एडल्ट हो जाता है, लेकिन हमने जब ब्रीडिंग के लिए उसको ब्रीडिंग की तरफ लेके आना है तो कम अज़ कम लव बर्ड की एज जो है पेयर की 10 माह 11 माह होनी चाहिए। इसी तरह कॉकटेल की अगर बात करें तो कॉकटेल 8 से 9 माह में एडल्ट होता है, लेकिन उससे प्रॉपर ब्रीडिंग और मैच्योर ब्रीडिंग लेनी है तो आपको कम से कम साल से ऊपर का बर्ड होगा, अच्छी ब्रीड करेगा, अच्छी रेशो देगा। अक्सर दोस्तों के साथ ये होता है कि बर्ड छोटा होता है, 4 माह 5 माह का 6 माह का पट्ठा होता है जिससे परचेज़ किया होता है, उसने आपके साथ गलत बयानी की होती है। आप काफ़ी अर्सा रखते हैं पेयर को लेकिन वो ब्रीड नहीं करता, जब ब्रीड के काबिल उसकी एज होती है आप उसको फेड अप होकर सेल कर देते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों जेंडर कन्फर्मेशन है, ये भी बेसिक पॉइंट है। जेंडर कन्फर्मेशन में दोस्तों जैसे लव बर्ड है आपको आइडिया होता है या आप थोड़ा सा उसकी निशानियां देखते हैं, आपको फील होता है कि यार ये पेयर है, लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो ब्रीड नहीं करता और आप जब प्रॉपर उसको चेक करते हैं या DNA करवाते हैं तो वो दोनों मेल होते हैं या दोनों फीमेल्स होती हैं। इसी तरह कॉकटेल में दोस्तों जो न्यू कमर्स हैं उनको आइडिया नहीं होता जेंडर का, तो टाइम काफ़ी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए आपने जेंडर कन्फर्म करना है हर बर्ड का। जब आप पेयर बना रहे हैं तो आपने मेल और फीमेल सेपरेट करने हैं, तब वो पेयर बनेगा, ब्रीड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। इसका सिंपल और बेहतरीन हाल ये होता है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही, वीडियो देख के भी नहीं आ रही और आपको कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है जो आपको चेक करके दे सके, तो आप DNA की तरफ जाएं, DNA करवाएंगे तो उसमें आपके तकरीबन 90 से 95 और कुछ केसेस में 100% भी आपको श्योरिटी हो जाती है कि आपके पास जो बर्ड्स हैं ये मेल फीमेल हैं और प्रॉपर पेयर बन चुका है। तीसरे नंबर पर दोस्तों पेयरिंग का मसला, यानी कि आप मेल फीमेल ले आते हैं लेकिन वो पेयर नहीं बना रहे होते और काफ़ी टाइम गुजर जाता है या लेट पेयर बनाते हैं जिसकी वजह से एक क्लच का टाइम गुजर गया होता है। तो पेयर बनाने के लिए भी आपके पास 2-3 तरीके होते हैं, उसमें से जो बेसिक तरीका है वो नेचुरल पेयरिंग होती है, यानी कि आप बर्ड्स को एक खुले केज में छोड़ देते हैं, उसमें जो मेल फीमेल होते हैं वो आपस में खुद नेचुरल पेयरिंग कर लेते हैं। ऐसी पेयरिंग बड़ी बेहतरीन पेयरिंग होती है, स्ट्रॉन्ग पेयरिंग होती है और ऐसे पेयर के जो रिजल्ट हैं वो भी आपके पास पॉजिटिव आते हैं, चिक्स की रेशो भी ज़्यादा होती है, चिक्स की जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, फर्टिलिटी अच्छी होती है एग्स में। तो कोशिश किया करें ऑटो पेयरिंग यानी कि नेचुरल पेयरिंग की तरफ जाया करें। इन केस अगर आपको पेयरिंग बनानी पड़ जाती है तो उसमें चौथा पॉइंट ये है कि आपने जो मेल है उसकी एज ज़्यादा रखनी है, फीमेल की एज कम हो मेल से तो उसका जो पेयर है वो जल्दी बन जाता है और आगे जो चिक्स की रेशो और एग्स की रेशो है वो भी ज़्यादा होती है। अपने मेल अगर आप ख़ुद परचेज़ कर रहे हैं अलहदा कहीं से और फीमेल कहीं अलहदा से आप परचेज़ कर रहे हैं तो अक्सर दोस्तों के पास ब्रीडिंग हिस्ट्री मौजूद होती है, तो आप ऐसा बर्ड परचेज़ करें जिसकी ब्रीडिंग हिस्ट्री आपके पास मौजूद और आपको पता हो कि ये इस एज का बर्ड है। अब तो रिंग्स की सहूलत भी मौजूद है तो रिंग भी आप चेक कर सकते हैं, उससे भी आपको एज कन्फर्मेशन हो जाती है। और उसमें अगर आप ख़ुद पेयरिंग बना रहे हैं तो मेल कोशिश करें 2 माह 1.5 माह 5 माह बड़ा हो फीमेल से, ख्वाह वो लव बर्ड्स हैं, कॉकटेल हैं, रिंग नेक हैं, कोई भी बर्ड हो, तो उसमें भी जो ब्रीडिंग है वो जल्दी स्टार्ट करते हैं, बर्ड्स पेयरिंग जल्दी हो जाती है और जो चिक्स की या ब्रीडिंग की रेशो है वो भी बेहतर होती है। पांचवा पॉइंट जो दोस्तों सॉलिड पॉइंट है, आप अक्सर दोस्तों के लिए नया पॉइंट होगा ये, अक्सर जो पेयर्स होते हैं वो पेयर अब नहीं हो रहे होते बर्ड्स, यानी कि आपके पास ये 2 ही बर्ड्स हैं उसमें एक मेल है एक फीमेल है लेकिन वो एक ही केज में काफ़ी अर्सा गुजार देते हैं लेकिन पेयर नहीं बना रहे होते। तो ऐसे में दोस्तों आपने ये करना है कि मेल और फीमेल को सेपरेट कर लेना है, अलग अलग केजेस में रख देना है। अगर आपके पास पोर्शन केजेस हैं तो सेंटर में आप पार्टीशन लगा दें, एक को एक साइड पर दूसरे को दूसरे साइड पर रख दें और जो फीमेल है इसका आप दाना तकरीबन उठा लें, यानी कि सुबह एक टाइम खा ले दाना, उसके बाद आप दाना निकाल लें और शाम तक जो है आप दाना उसको ना दें। और साथ वाले केज में अगर आप मेल रखेंगे उसको आप प्रॉपर दाना रखें उसके पास, और जब आप 6 से 7 घंटे के बाद फीमेल को उसके केज से निकाल के मेल के केज में शिफ्ट करेंगे तो मेल चूंकि एक तो एज में बड़ा होगा, दूसरा वो फुल होगा, उसने दाना पानी खाया होगा, जबकि फ़ीमेल भूखी होगी, तो ऐसे में जो है पेयर बहुत जल्दी लग जाता है क्योंकि मेल जो है वो दाना एक्सचेंज करता है और फीमेल भी भूखी होने की वजह से दाना एक्सचेंज करने के लिए एग्री हो जाती है। इससे भी आप पेयर को बना सकते हैं, ख्वाह कोई भी बर्ड हो, रिंगनेक का, कॉकटेल का, जावा, फिंच,
लव बर्ड्स बजीज, कोई भी पेयर्स ऐसे बर्ड्स हों जो पेयर अपना हो रहे हों तो उन पे आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, जिससे 90% चांसेस होते हैं कि पेयर अप हो जाता है बर्ड। उसके बाद आपने एक एहतियात ये करनी है कि जिस केज में आपने ब्रीड लेनी है, मेल को आपने उसी केज में रखना है और फीमेल को आपने साथ किसी दूसरे केज में रख लेना है टेम्परेरी तौर पर। दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले ब्रीडिंग सीज़न में आपको जोड़ा बनाने के लिए बर्ड्स का और ब्रीड लेने के लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, अगर आप इन 5 पॉइंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और फोकस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।